अमरपुर संभुगंज मुख्य पथ पर बाजा मोड़ के समीप बोलेरो की टक्कर में भरको पंचायत के मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई है। घटना स्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार मुखिया अपनी होंडा बाइक पर सवार होकर भरको की ओर से बाजा गांव की ओर आ रहे थे, तभी बाजा मोड़ से कुछ कदम की दूरी पर पीछे से आ रहे बोलेरो चालक ने धक्का मार दिया। बोलेरो की टक्कर से मुखिया बाइक लेकर गिर गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बोलेरो को फिर पीछे कर दोबारा मुखिया को धक्का मारा और वहां से फरार हो गया। लेकिन बाजा गांव के आगे बढ़ते ही सिमरा पुल के समीप बोलेरो का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके बाद मौके से चालक फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं घटना स्थल पर ही मुखिया की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर उमड़ गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिमला पुल पर खड़ी बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना अमरपुर थाने में दी। लगभग एक घंटे के बाद अमरपुर थानाध्यक्ष सबधर अली, अवर निरीक्षक रामविचार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक अरुण कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक के पिता उपेंद्र झा ने पुत्र की हत्या कर देने का आरोप लगाया है। भरको पंचायत के मुखिया की मौत के बाद घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण आक्रोशित होकर बाजा मोड़ के समीप आड़ी तिरछी वाहन खड़ी कर इंग्लिश मोड़ शंभुगंज मुख्य पथ को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही बांका SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, शंभुगंज थाना, फुल्ली डूमर थाना अध्यक्ष, अमरपुर CO स्वाति कृष्णा, BDO राकेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जामकर्ताओं को समझाते हुए जाम हटाने की अपील की, लेकिन ग्रामीण हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। जाम के कारण मुख्य सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक के पिता उपेंद्र झा ने बताया कि मेरे पुत्र को साजिश के तहत मारा गया है। मृतक की मां लीलावती देवी समेत अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक पंचायत के विकास के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मृतक चार भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इनके बड़े भाई मिथिलेश झा एवं छोटे भाई मधुकर झा दिल्ली में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि पूर्व में ही उनके छोटे भाई निरंजन झा की मौत हो गई है। भरको पंचायत के मुखिया की बोलेरो से टक्कर में हुई मौत के मामले में मृतक की भांजी श्वेता कुमारी ने भरको गांव निवासी राजीव चौधरी, अमरदीप चौधरी समेत चार लोगों को नामजद करते हुए अपने मामा मुखिया प्रवीण झा की हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मौके पर मृतक मुखिया के पिता उपेंद्र झा ने बताया कि पूर्व में ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत में डीलर राजीव चौधरी का लाइसेंस रद्द करवाया गया था। इसी आक्रोश में आकर राजीव चौधरी अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश के तहत पुत्र की हत्या कर दी है। बांका SDPO ने मौजूद ग्रामीणों की हत्या में शामिल लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। करीब चार घंटे के बाद जामकर्ताओं ने अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाया। थानाध्यक्ष ने सब को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र झा। जो मृतक है वो उसका क्या नाम है? प्रवीण कुमार झा। तो कैसे हुआ ये घटना, कैसे घटा जी? ये घटना कैसे घटा? कैसे लगा? पीछे से बेलबो से धक्का मारा, भाग गया, फिर दोबारा बेलबो को लेकर छूर दिया, उसको दोबारा मार दिया। राजीव चौधरी पिता रमेश चौधरी। अच्छा अच्छा। पैसा कितना निकाल के आ रहे थे जी? पैसा भी निकाल के आ रहे थे? पैसा पैसा निकाल के बैंक गए हुए थे ना? वो पता हमको नहीं है सर। नहीं पता है? अच्छा, कहीं पहले भी कुछ उनके साथ उस... हाँ, लाइसेंस लग उसका दो बार लाइसेंस कैंसिल करवाया था। ये मुखियाम था। अच्छा। जबरदस्ती पब्लिक को नहीं देता था अनाज, डिब्बा फेंकता था, सब राशन कार्ड करता नहीं देंगे। ये जाके कार्रवाई किया, दो बार उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ। इसी की वजह से उसने जबरदस्ती बेलरो चढ़ा के हमारा बेटा को मार दिया। मुखिया है हमारा बेटा। आप लोग प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं जी? प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं सर, हमारा उचित फैसला मिले, हमको उचित फैसला मिले। जो जबरदस्ती बेलरो से छूट दिया उसको सजा मिले सर।